दोस्तों नमस्कार वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है एन सी टी आई टी आई के एग्ज़ाम पेपर्स के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का है और थर्ड सेमेस्टर का है अभी तो ईयरवाइज हो रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुल पचास क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं यदि आप अभी एग्जाम देने वाले हैं आई, आई के तो इस पेपर को ज़रूर देखें आई टी में बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में से रिपीट हो जाते हैं यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को ज़रूर देखें क्योंकि ट्रेड थ्योरी से संबंधित फिफ्टी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ हमें समझाएंगे, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही है तो सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें दोस्तों पेपर आपको एक बात क्लियर करूं कि केवल इंग्लिश में है ध्यान रखें लेकिन हम इसे हिंदी में ही पढ़ेंगे उम्मीद करता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को समझ में आएगा फिर भी यदि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये पेपर जैसा है वैसा ही मैंने उठाया है मैंने मेरी तरफ से या घर से पेपर इसको नहीं बनाया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता इसलिए हम हिंदी में ही पढ़ेंगे आराम से आप इसको समझ सकते हैं इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन रोटरी कन्वर्टर सामान्यतः उपलब्ध है यानी रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज़ का है कि थ्री फेज़ का है कितने प्रकार का है देखो रोटरी कन्वर्टर एकमात्र ऐसी मशीन है जो एसी को डीसी में डीसी को एसी में और ऊर्जा देने पर एसी डीसी दोनों प्रोवाइड करवा सकती है और रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज का भी होता है थ्री फेज का भी होता है सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बोथ ए एंड बी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मर्करी आर्क रेक्टिफायर में एनोड किस धातु का बना होता है मर्करी आर्क रेक्टिफायर में एनोड जो है वो ग्रेफाइट का होता है और कैथोड जो है वो मर्करी का होता है इसीलिए इसका नाम मरकरी आर्क रेक्टिफायर रखा है अभी हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे एनोड ग्रेफाइट का होता है अगर कैथोड का होता तो कैथोड मरकरी का होता है जिसके आधार पर इसका नामकरण भी मरकरी आर्क रेक्टिफायर रखा गया नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इज आल्सो नन कैथोड रेक्टिफायर गर्म कैथोड रेक्टिफायर की भांति कौन जाना जाता है तो ये अपना मरकरी आर्क रेक्टिफायर ही है जिसको हम कैथोड रेक्टिफायर भी बोलते हैं क्योंकि इसका कैथोड जो है वो गर्म होता है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मशीन मशीन जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को कन्वर्टर और डीसी को एसी में करने वाली मशीन को इन्वर्टर कहते हैं अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा ए टू डी अगर डी टू ए होता तो इन्वर्टर करते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होती है फुल वेव सेंटर टेप वाला हो या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हो इनपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दोगुनी होती है हाफ वेव में इनपुट के बराबर होती है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके से बनते हैं एक नाम है ब्रिज रेक्टिफायर दूसरे का नाम है सेंटर टेप मेथड सेंटर टेप वाले में एक ऐसा ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसकी सेकेंडरी साइड में सेंटर में से टेप निकली होती है यानी सेकेंडरी साइड में तीन सिरे होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में कोई ट्रांसफार्मर उपयोग में हम नहीं लेते और चार डायोडों को इस तरह से जोड़ते हैं कि वो एक ब्रिज की आकृति में होते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले में दो डायोड लगते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड लगते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर नहीं होता जबकि दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर में हमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है जिसकी सेकेंडरी से टेपिंग निकली हो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन इज़ हाउ मेनी टाइप्स रेक्टिफिकेशन कितने तरीके से हम कर सकते हैं देखो वैसे इसने ये तो पूछा नहीं कि सिंगल फेज थ्री फेज इसलिए जो बड़े रूप में रेक्टिफायर के प्रकार है वो तीन ही है यानी हमें आंसर सिंगल फेज वाले का ही करना है कौन कौन से आप वेव रेक्टिफायर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर वेव रेक्टिफायर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर तीन होते हैं हाँ थ्री फेज के भी रेक्टिफायर होते हैं पर इसने थ्री फेज़ के लिए ऑप्शन नहीं दिया फिर थ्री फेज में भी वही हाफ वेव और फुल वेव की तरह से रेक्टिफायर वहाँ भी होते हैं तो बड़े रूप में जब भी क्वेश्चन आए तो रेक्टिफायर के तीन ही प्रकार बताए जाते हैं इसलिए हम भी इसमें सी ऑप्शन की ओर जाएंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ग्राउलर में हम सप्लाई किस तरह की देते हैं देखो ग्राउलर इंडक्शन पर आधारित मशीन है और इंडक्शन तब होता है जब हम इसको एसी देंगे और ये आर्मेचर में भी और स्टेटर में भी शॉर्ट कोयल ओपन या कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह का ग्राउलर होता है ए सप्लाई देते हैं इंडक्शन के सिद्धांत पर यह आधारित है नेक्स्ट आप जब वाइंडिंग बैलेंस हो तो नंबर ऑफ कोयल पर ग्रुप यानी प्रत्येक ग्रुप में क्वाइल्स की संख्या कितनी होती है तो हमेशा बराबर होती है बैलेंस वाइंडिंग में नंबर ऑफ क्वाइल्स प्रति फेज प्रत्येक ग्रुप में क्वाइल्स की संख्या हमेशा बराबर होती है और अनबैलेंस वाइंडिंग में अलग अलग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली रिवाइंडिंग के दौरान हम सबसे अधिक किस वाइंडिंग का उपयोग करते हैं रिवाइंडिंग के बाद सबसे ज़्यादा जिस वाइंडिंग का उपयोग करते हैं वो है कंसेंट्रिक वाइंडिंग सै वाइंडिंग इसको बोलते हैं और प्रत्येक पोल में प्रत्येक फेज की एक से अधिक क्वाइल आती है तो उनका केंद्र एक ही रहता है मोस्टली थ्री फेज इंडक्शन मोटरें तो जितनी भी है उन सब में कंसेंट्रिक वैंडिंग होती है सेकेंद्री वैंडिंग होती है और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब हम ग्राउलर से एक अर्थिंग वाले आर्मेचर को टेस्ट कर रहे थे ग्राउलर को हमने ए सप्लाई दी थी तो कम्यूटेटर सेगमेंट पर और एक हमने बॉडी पर जो है वो सिरे संयोजित कर दिए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ऐसी पोजीशन में क्या होनी चाहिए दोस्तों ध्यान से समझना ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है ठीक है देखो अपन यहाँ इसको कम्यूटेटर को लेते हैं मान लीजिए ये कम्यूटेटर है और ये इसके सेगमेंट है और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आर्मेचर के कंडक्टर्स इस पर यहाँ कनेक्ट होते हैं हम इस आर्मेचर के यहाँ पर ग्राउलर रख रहे हैं तो इंडक्शन के आधारित है ये ग्राउलर एसी सप्लाई देंगे तो इस आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस होंगे वो इंड्यूस वोल्टेज इन कम्यूटेटर सेगमेंट पे आएंगे ठीक है और ये मान लेते हैं इसकी साफ़्ट है अब हमने एक मिली वोल्ट मीटर एक सिरा साफ्ट पर और दूसरा इस सेगमेंट पे लगाया है यदि ये अर्थ है जैसा कि इन्होंने लिखा भी है कि अर्थ पहले से है वो यदि अर्थ है तो देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट और साफ्ट का सर्किट एक ही हो गया और ऐसी सिचुएशन में वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं देगा ये ध्यान रखिएगा यानी अर्थ वाला अपना सिस्टम है कम्यूटेटर आर्मेचर पहले से ही और ग्राउलर में हम एक वोल्ट मीटर का उपयोग करते हुए इनको टेस्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी यदि आर्मेचर बिल्कुल सही है तो उसकी रीडिंग आएगी और वो प्रॉपर रीडिंग आएगी जितनी उसकी होनी चाहिए थी इंड्यूस ई को वो संकेत करेगा तो अभी तो ऑप्शन रहेगा ए नो रीडिंग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डबल एयर वाइंडिंग जब हो तो क्वाइल्स और स्लोट की संख्या में क्या रिलेशन पाए जाते हैं देखो डबल लेयर का मतलब होता है कि जो स्लोट होते हैं ना उनमें दो दो क्वाइल साइड आना हालांकि वो दोनों साइड दो अलग अलग वाइंडिंग की होती है या यूँ कहें कि दो अलग अलग क्वाइल की होती है एक क्वाइल का अगर फर्स्ट एक्टिव भाग है तो दूसरी क्वाइल का सेकेंड एक्टिव भाग उसमें होता है लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो एक स्लोट में एक क्वाइल ही तो हो गई ना क्योंकि एक क्वाइल में दो एक्टिव भाग होते हैं तो डबल लेयर वाइंडिंग में स्लोट की संख्या और क्वाइल्स की संख्या दोनों बराबर होती है जबकि सिंगल लेयर अगर होता तो उसमें क्वाइल्स की संख्या जो है वो स्लोट की संख्या की जस्ट हाफ होती है चौबीस स्लोट है तो उसमें बारह ही क्वाइल होगी क्योंकि बारह क्वाइल की साइड कितनी होगी चौबीस एक एक स्लोट में कितनी साइड आनी थी एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच फैक्टर इन फुल पिच वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर कैसा होगा पिच के अकॉर्डिंग वाइंडिंग तीन तरह की होती है फुल पिच शॉर्ट पिच और लॉन्ग पिच फुल पिच में पिच फैक्टर का मान इकाई होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर इकाई से कम और लॉन्ग पिच में पिच फैक्टर इकाई से अधिक होता है पिच फैक्टर जो है ये इस बात का संकेत होता है कि पोल पिच कितनी थी और वाइंडिंग पिच कितनी है यानी एक्चुअल में हमने वाइंडिंग किस पर की थी और कितने पर हमें करनी चाहिए थी जैसे पोल पिच का मान आया छः हम या तो इसको पाँच मानते हुए करेंगे या इसको सात मानते हुए करेंगे जब छः के अकॉर्डिंग करते हैं तो फुल पिच पाँच के अकॉर्डिंग करते हैं शॉर्ट पिच सात के अकॉर्डिंग करते हैं तो लॉन्ग पिच नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल केज इंडक्शन मोटर जो है उसमें कितनी वाइंडिंग होती है देखो तो अब ये तो इसने पूछा नहीं कि, कि किस में कितनी होती है स्टेटर में कि रोटर में स्टेटर अगर है तो वहाँ तो होती है तीन वाइंडिंग आर वाई बी की बात हम करें

जो फील्ड है इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उसमें वाइंडिंग किस प्रकार की होती है अब देखो कंसेंट्रिक वाइंडिंग का एक प्रकार था वो अलग चीज़ है लेकिन जब वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो किस जैसी दिखाई देती है तो उसकी संरचना बास्केट की जैसी होती है यानी कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है दिखाई वो बास्केट वाइंडिंग की तरह देती है जैसे सिंगल फेज फे, जो सिंगल सीलिंग फैन होता है सिंगल फेज में उसकी वाइंडिंग जो है वो चेन वाइंडिंग कहलाती है एक चेन की तरह वाइंडिंग बनती है तो अभी हम लोग बास्केट की ओर जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है तो ल्यूमन है ये तो बहुत बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पूछ रहा है तो प्रदीप्ति तीव्रता की जो है वो कैंडला होती है अब कैंडला इसमें दिया नहीं है तो कैंडल पावर भी हम कर सकते हैं कैंडल पावर भी यूनिट इसकी कर सकते हैं और सोलिड एंगल यानी ठोस कोण की इकाई ठोस कोण की इकाई स्ट्रेडियन होती है प्लेन एंगल की पूछ लेता तो वो होती है रेडियन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लाइटिंग पर्पज के लिए यानी प्रकाश के लिए किस प्रकार के लैंप का उपयोग करते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप का उपयोग करते हैं और इसमें भी हम वैक्यूम लैंप का उपयोग या गैस भरे लैंप का उपयोग हम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन फिलामेंट लैंप कहाँ का काम में लेते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप जो है ये हीट के रूप में काम में लेते हैं या तो बैटरी चार्जिंग में लोड के रूप में या वाइंडिंग की हमें जब वार्निश सुखानी हो तब हम इसका उपयोग करते हैं जबकि कार्बन आर्क लैंप जो होता है ये सिनेमा प्रोजेक्टर में काम में आते हैं तो यही पूछा है सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा लैंप होगा कार्बन आर्क लैंप होता है ये इजी क्वेश्चन है ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए इसको अपन जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं थोड़ा सा ठीक है और मरकरी वेपर लैंप है उसमें कौन सी गैस होगी तो मरकरी के साथ आर्गन होती है ठीक है मरकरी वेपर लैंप है मरकरी और आर्गन इसमें भरे जाते हैं बी ऑप्शन की ओर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑक्जिलरी इलेक्ट्रोड होते हैं है ना तीन होते हैं दो मेन इलेक्ट्रोड एक ऑक्जिलरी इलेक्ट्रोड मरकरी वेपर लैम्प में देखो ये मर्करी वेपर में हो या सोडियम वेपर लैम्प में हो इनको ऑक्जिलरी इलेक्ट्रोड या इन्हीं का दूसरा नाम है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये वेपर सोडियम हो या मर्करी जमी हुई अवस्था में हो तो इनके बीच में आयोनाइजेशन स्टार्ट हो नहीं पाता है दोनों मेन इलेक्ट्रोडों के बीच में तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेन इलेक्ट्रोड के बीच में एक ओगजली लगाते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होती है गैप दूरी कम होती है इनके बीच में दूरी कम होने की वजह से क्या होता है कि जल्दी वो आयोनाइजेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है फिर गैस है वो चालक बन जाती है तो दोनों मेन इलेक्ट्रोडों के बीच लैंप में आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है इसलिए इसका जो पर्पज़ है वो है स्टार्टिंग पर्पज केवल स्टार्ट करने के काम आता है और मरकरी वेपर लैंप के प्रकार पूछें तो तीन तरह का होता है मरकरी आर्गन मरकरी बायोनेट कैप और मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप तीन इसके प्रकार होते हैं बी ऑप्शन की ओर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग टेम्परेचर ऑफ हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप यानी उच्च दाब वाले जो मरकरी वेपर लैंप होते हैं उनका कार्यकारी तापमान कितना होता है तो उनका कार्यकारी तापमान आठ डिग्री सेंटीग्रेड होता है सी ऑप्शन की ओर जाएंगे हाई प्रेशर वाले मरकरी वेपर लैम्प की बात कर रहे हैं जो तीन प्रकार के थे अभी जस्ट क्वेश्चन में अपनी बात हुई है मरकरी आर्क लैंप मरकरी सॉरी मरकरी आर्गन लैम्प मरकरी बायोनेट कैप और मरकरी आर्गन टंगस्टन लैम्प नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है तो सोडियम वेपर लैंप में सोडियम तो है ही उसके साथ न्योन गैस भरी जाती है ए ऑप्शन की ओर जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लेम्प में दो इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोड कोई भी लैम्प है उसमें मोस्टली टंगस्टन के ही होते हैं हम उसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं हम उसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ऑक्साइड आलेपित होते हैं ए ऑप्शन की ओर जाएंगे ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड होते हैं ये दोनों मेन इलेक्ट्रोड होते हैं एक इसमें ऑक्जिल इलेक्ट्रोड भी होता है जो स्टार्टिंग के पर्पज से लगाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर ऑफ सोडियम वेपर लैम्प लाइट सोडियम वेपर लैम्प के प्रकाश का रंग अब देखिए इसने रनिंग या पूर्ण प्रकाशित होना ऐसा तो कुछ लिखा नहीं ना ही इसने ये लिखा कि स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ के समय तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए हमें प्रकाश का रंग पूर्ण प्रकाशित होने के बाद जो होता है उसी का आंसर करना है तो सोडियम वेपर लैम्प पूर्ण प्रकाशित होने के बाद पीले रंग का प्रकाश देता है सी ऑप्शन की ओर हमें जाना होगा अगला अपना क्वेश्चन है कि जो सोडियम वेपर है, उसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है मर्करी वेपर लैम्प अभी हमने देखा है सोडियम वेपर लैम्प का टेम्परेचर मर्करी वेपर लैंप से कम होता है और सोडियम वेपर लैंप का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हम इसमें बी ऑप्शन की ओर जाएंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लैंप ऐसा है जो पूर्ण प्रकाशित होने में सबसे अधिक समय लेगा पूर्ण प्रकाशित होने में सबसे अधिक समय सोडियम वेपर लैंप को ही लगती है सामान्यतः पाँच से दस मिनट में ये पूर्ण प्रकाशित हो जाता है लेकिन एक बार बंद करके यदि तुरंत इसको फिर से ऑन किया जाए तो ये लैंप दस से पंद्रह मिनट में पूर्ण प्रकाशित होता है जो कि अन्य सभी लैंपों से अधिक है सोडियम वेपर लैंप की दक्षता हमसे पूछी गई है अगले क्वेश्चन में सोडियम वेपर लैम्प की दक्षता वैसे तो 110 सौ दस ल्यूमन प्रतिवाट दिया हुआ है और एक दूसरा सोडियम वेपर लैम्प स्पेशल भी है जिसकी 150 सौ पचास ल्यूमन प्रतिवाट भी बताते हैं और आपको किसी बुक में हो सकता है पचास ल्युमन प्रतिवाट भी लिखे लेकिन सामान्यतः सोडियम वेपर लैम्प की दक्षता पिचासी से एक सौ पाँच ल्युमन प्रतिभाट तो इस ऑप्शन की ओर ही हम जाएंगे सोडियम वेपर लैंप की दक्षता एक सौ दस ल्यूमन प्रतिवाट मानी जाती है निमी के अकॉर्डिंग 110 सौ दस ल्यूमन प्रतिवाट ही होती है तो ये अपना डी ऑप्शन रहेगा 85 से 105 सौ पाँच ल्यूमन प्रतिवाट अगला क्वेश्चन है कि एक सोडियम वेपर लैंप के लिए आयनीकरण विभव का मान कितना है जिस पर उसमें आयनीकरण प्रारंभ हो जाता हो ये पाँच वोल्ट होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है याद रखें दोस्तों लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है तो अभी तो हम पाँच पॉइंट एक दो वोल्ट ए ऑप्शन करेंगे सामान्यतः सोडियम वेपर लैंप किस पर प्रारंभ हो जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं हिंदी में इसको आयनीकरण विभव कहा जाता है तो वो पाँच वोल्ट होगा हमें ए ऑप्शन करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरसेंट ट्यूब में कौन कौन सी गैस होती है फ्लोरसेंट ट्यूब हम साधारण भाषा में ट्यूबलाइट को बोलते हैं हिंदी में इसको प्रतिदीप्ति लैंप बोला जाता है तो इसमें मरकरी और आर्गन भरी जाती है सोड़ इसको हम लोग लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी बोलते हैं ट्यूबलाइट को और सत्तर ल्यूमन प्रतिवाट इसकी लगभग दक्षता होती है मरकरी और इसके साथ आर्गन होगा सी ऑप्शन करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मेन फंक्शन ऑफ चौक इन ए फ्लोरसेंट ट्यूब फ्लोरसेंट ट्यूब में चौक के मुख्य फंक्शन क्या है अब इस पेपर में देखिए दोनों ऑप्शन हमें दिए गए जो कि बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि ऑप्शन देने का तरीका है चौक दो काम करती है सबसे पहले वो स्टार्टिंग वोल्टेज जो कि आयोनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है वो उत्पन्न करती है यानी चौक प्रारंभ में वोल्टेज को बढ़ाती है जैसे ही हाई पोटेंशियल के कारण गैस डिस्चार्जिंग क्रिया शुरू होती है दोनों फिलामेंट के बीच में ट्यूब के माध्यम से तो उस समय करंट उच्चतम प्रवाहित होता है तो वही चौक उसी समय धारा को नियंत्रित करने का काम भी करती है डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसके लिए कि इंड्यूस हाई वोल्टेज एंड लिमिट द करंट धारा को नियंत्रित करना प्रारंभ में स्टार्टिंग के लिए उच्च वोल्टेज डेवलप करना इंड्यूस करना ये दोनों वर्क चौक के होते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इन रनिंग कंडीशन वोल्टेज अक्रॉस स्टार्टर जब ट्यूब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में स्टार्टर के सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं होगी जीरो वोल्टेज होती है प्रारंभ में स्टार्टर का जो कांटेक्ट होता है वो एनो रहता है इसके दोनों ओर क्योंकि ट्यूब में अभी आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई नहीं इसलिए धारा का ये तो पथ जो है वो अभी शुरू हुआ नहीं है करंट यहाँ से फ्लो होते नहीं है स्टार्टिंग में धारा यहाँ से प्रवाहित होने की कोशिश करती है लेकिन ये स्टार्टर का कॉन्टैक्ट ओपन था ओपन कॉन्टेक्ट होने की वजह से दोनों ओर विभवानतर आने से ये दोनों गर्म होते हैं गर्म होकर के ये पत्ती मुड़ जाती है और कॉन्टेक्ट इनका बनता है जैसे ही कॉन्टैक्ट इनका बनता है तो इनके थ्रू धारा चलनी शुरू हो जाती है जैसे ही धारा चलती है कॉन्टैक्ट ठंडा होता है फिर से हट जाता है जैसे ही हटता है यानी ये मेक और ब्रेक होता है इस दौरान चौक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से इसमें आयोनाइजेशन यानी गैस डिस्चार्ज क्रिया प्रारंभ हो जाती है जैसे कि डिस्चार्ज प्रारंभ होता है तो दोनों फिलामेंट के बीच में धारा प्रवाह शुरू होना हो जाता है उसके बाद में इस स्टार्टर कॉन्टेक्ट के आर पर हम कोई वोल्टेज नहीं मानते नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरसेंट ट्यूब वो ट्यूब लाइट की दक्षता सत्तर ल्यूमन प्रतिवाट होती है कुछ जगह साठ से पैंसठ ल्यूमन का ऑप्शन आता है जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दे रखा है डी ए सी ऑप्शन ही करेंगे साठ ल्यूमन प्रति वाट डी ऑप्शन पिचहत्तर रखा है ये नहीं करेंगे क्योंकि सत्तर से ऊपर नहीं होती है सेवेंटी ल्यूमन प्रति वाट से अबव तो होती ही नहीं है और मोस्टली आपको साठ से पैंसठ ल्यूमन का ऑप्शन भी बहुत जगह मिलेगा इसलिए हमें सी ऑप्शन की ओर ही जाना है साठ ल्यूमन प्रति वाट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द लैम्प गिव्स डायरेक्ट लाइटनिंग वैन फिलामेंट हीटअप ताप ये सिद्धांत पर पूछ रहे हैं सीधा सा सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा लैम्प ऐसा है जिसमें ताप य उत्सर्जन होता है यानी जैसे ही फिलामेंट गर्म होते हैं तो वो लाइट देना शुरू करते हैं तो वो है उदीप्त लैंप हिंदी में उदीप्त लैंप बोलते हैं इंग्लिश में इनको इनकेंडिसेंट लैंप बोलते हैं तापीय सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वाट ट्यूबलाइट का डायामीटर कितना होता है व्यास पूछा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपको याद रखना है 38 एट एम एम होता है 38 एट mm एम इसका व्यास रहता है लेंथ लगभग 120 सेंटीमीटर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूब स्टार्टर में कौन सी गैस होती है ट्यूबलाइट के स्टार्टर में हीलियम गैस होती है जो फिला उसको बायोमेटलिक स्ट्रिप द्विधात्विक धातुक पत्ती जो होती है स्टार्टर में उसको ठंडा करने के लिए लगती है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब सर्किट में स्टार्टर क्यों लगता है ध्यान दीजिएगा ट्यूबलाइट में स्टार्टर होते दो एक तो कंप्लीट ट्यूब के सर्किट में होते हैं जो पावर फैक्टर सुधारने के काम आते हैं दूसरा होता है स्टार्टर की सर्किट में जो ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता है ग्लो टाइप स्टार्टर बोलते हैं उस स्टार्टर में होता है उसका काम होता है रेडियो इंटरफेरेंस रोकना सिग्नल के व्यवधान को कम करना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द इनर साइड कलर ऑफ रेफ्लेक्टर प्रावर्तक बोलते हैं रेफ्लेक्टर को हिंदी में रेफ्लेक्टर की आंतरिक साइड में जो कलर है वो तीन तरह का हो सकता है वाइट हो सकता है सिल्वर हो सकता है गोल्डन हो सकता है अब ए की ऑप्शन है तीनों में से तो वाइट की ओर ही जाएंगे बी ऑप्शन करेंगे वाइट कलर वहाँ अपने को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पावर हाउस इल्यूमिनेशन शुड बी अप्रोक्सीमेटली जो पावर हाउस होते हैं सब स्टेशन बोल सकते हैं यहाँ हमें प्रदीप्ति की आवश्यकता कितनी है तो 100 से 150 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर प्रदीप्ति की हमें आवश्यकता होती है ल्यूमन वर्ग मीटर को लक्ष्य भी बोलते हैं यानी सौ से डेढ़ सौ लक्ष हमें वहाँ पर प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंग लोट में जो एल्यूमिनेशन हाइट है वो लगभग कितनी होनी चाहिए अब देखिए डायरेक्ट एल्यूमिनेशन की हाइट की अगर अपन बात करें तो वो होती है लगभग बारह फिट से लेकर बीस फिट तक और मोस्टली केस में ये और ज़्यादा जाए तो पैंतीस फिट जा सकती है इससे ऊपर नहीं तो अगर हम क्यूबिक के अकॉर्डिंग भी बात करें तो सी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे बारह एल्यूमन प्रति घन मीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए इससे ऊपर नहीं अगला अपना क्वेश्चन है कि जो मशीन होती है घूमने वाली रोटेटिंग पार्ट वाली डिस्चार्ज लैंपों में वो हमें या तो रुकी हुई प्रतीत होती है या विपरीत प्रतीत घूमती हुई प्रतीत होती है इसका कारण क्या है देखो इस प्रभाव को कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इस इफ़ेक्ट अब हमसे ये पूछा गया देखिए कारण है तो आई थिंक ऑप्शन लिखने में भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है स्ट्रोबोस्कोपिक इस प्रभाव इसका उत्तर होना चाहिए था उस प्रभाव के कारण हमें रोटेट होती दिखाई देती है लेकिन अगर इसमें किसी गैस का कलर भी मान लीजिए हमसे पूछा जाता है गैस का कारण भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस थी जिस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि ये केवल डिस्चार्ज लैंपों में ही होता है और डिस्चार्ज लैंप में मोस्टली अगर आप देखें तो आपको न्योन गैस देखने को मिलेगी आर्गन तो अपने मोस्टली नाइट्रोजन आर्गन तो गैस भरे आपको इनकंडीसेंट लैंप में भी देखने को मिलेगी तो हम इसमें सी ऑप्शन की ओर जाएंगे कि न्यून गैस डिस्चार्ज लैंपों में होती है उसकी वजह से स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव के कारण ही हमें जो घूमती हुई मशीनें होती है या घूमता हुआ उनका पार्ट होता है वो या तो स्थिर प्रतीत होता है या फिर वो हमें विपरीत दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्यूब के स्टार्टर में कंडेंसर क्यों लगता है देखिए दोनों क्वेश्चन आ गए ट्यूब सर्किट में कंडेंसर पावर फैक्टर सुधारने के लिए था ट्यूब स्टार्टर के सर्किट में है इसका या तो आपको करना है रेडियो इंटरफेरेंस रोकना ऐसा ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर डी ऑप्शन की ओर जाएंगे रेड्यूस स्ट्रोबोस्कोप इस इफेक्ट स्ट्रोबोस्कोपिक इस प्रभाव को कम करना इसका रीजन है ये भी आंसर हमें देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाया ऑफ इलेक्ट्रोड इन ए डी सी आर्कलैम्प डी सी के आर्कलैम्प में दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका व्यास कैसा होता है देखो कार्बन आर्क आर्कलैम्प जो होता है ये सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है और जब ए सी पर ये लेते हैं तब तो इसकी दोनों बराबर होती है दोनों इलेक्ट्रोड इसके बराबर होते हैं लेकिन जब डी सी पर हम इसको उपयोग में लेते हैं तो पॉजिटिव जो होता है वो मोटा होता है और नेगेटिव पतला होता है वैसे भी अगर देखा जाए तो देखो बी और सी जो है दोनों एक जैसे ऑप्शन है नेगेटिव अगर थिक यानी मोटा है तो पॉजिटिव पतला अपने आप ही हो गया ना इसका मतलब बी और सी इसके ऑप्शन हो नहीं सकते तो ए ऑप्शन होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेरी थिक यानी पॉजिटिव वाला अधिक मोटा होता है नेगेटिव से लगभग दो गुना मोटा होता है ए सी अगर होती तो दोनों सिमिलर होते और किस वोल्टेज पर यह प्रारंभ हो जाता है तो डी सी में चालीस से साठ वोल्ट पर लगभग ये स्टार्ट हो जाता है ये ऑप्शन ओर ही जाएंगे और अगला अपना क्वेश्चन है कि जो थ्रेडेड पोर्शन यानी चूड़ीदार संपर्क जो होता है होल्डर में एडिशन स्क्रू होल्डर जो होते हैं लैंप होल्डर उनमें बाहर की साइड उनमें लैम्प जो है वो होल्डर में ऐसे रोटेट करके हमें लगाना होता है तो वो जो चूड़ीदार पोर्शन होता है उस पर लैंप का कौन सा वायर कनेक्ट होना चाहिए तो उस पर न्यूट्रल वायर लगता है फेज वायर जो होता है वो सेंटर में होता है बीच में मिडल पर होता है एकदम और जबकि वो थ्रेडेड कॉन्टेक्ट जो होता है वो न्यूट्रल वायर का वर्क करता है और गैस भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान पूछा है लगभग सत्ताईस सौ डिग्री सेंटीग्रेड होता है ठीक है तो इसमें ऑप्शन है नहीं तो तेईस सौ डिग्री सेंटीग्रेड भी हम इसमें कर सकते हैं यानी तेईस सौ डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग वो काम कर सकता है तो इसमें हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे तो बस दोस्तों इस पेपर में यही पचास क्वेश्चन थे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें चैनल पर नए हो या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें